हेलो गाइस, वेलकम ऑन सक्सेस प्लस एकेडमी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने लेसी थ्योरी का जो बेसिक था वो सारा की सारा देख लिया था। रिज्यूम कंडीशंस किस टाइप की होती हैं वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली थी। उसके अलावा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, इसके बाद अपने पास बचता है कि लेसी थ्योरी के बिहाव पे अपन इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, कैनाल को किस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है। तो हेडिंग डालिए डिज़ाइन ऑफ कैनाल बाय लेसी थ्योरी। ठीक है जी, अब देखिए, आपको पता है कैनेडी थ्योरी आपने पढ़ ली। कैनेडी ने क्या किया था कि कुछ चीजें अज्यूम करी थी और कुछ चीजों के लिए दूसरे फॉर्मूलाज का यूज किया था। जैसे उसने चेजी फॉर्मूला का यूज किया था, कटर फॉर्मूला का यूज किया था, तो उसने तो औरों पे डिपेंडेंसी दिखाई थी। लेकिन लेसी ने क्या है, लेसी ने अपनी थ्योरी के लिए खुद की पर्टिकुलर इक्वेशन दी और उन इक्वेशंस को बोला जाता है जनरल फ्लो इक्वेशन या बेसिक फ्लो इक्वेशंस। ठीक है, नाम याद रखना, पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। ये जो इक्वेशंस इसने दी थी इन्हें बोला जाता है बेसिक या जनरल जनरल फ्लो इक्वेशन, ये पूछा हुआ है एक बार। क्लियर, अब देखें, सबसे पहला काम जो अपने करना है, स्टेप फर्स्ट जो है मेरा, वो है फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है हमें डिजाइनिंग के टाइम पे, सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। और आपके पास जो गिवन क्राइ डेटा है वो ओनली क्या है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज आपको क्वेश्चन में दे रखा है, डिस्चार्ज दे के आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई साहब डिजाइन करके दो। ठीक है, तो मेरे पास ओनली एक चीज नोन है यहाँ पे, डिस्चार्ज, और मुझे वहां पे जो सॉइल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज नोन है। क्लियर, तो सबसे पहला काम करूंगा मैं कि जो मेरे पास फ्लो है उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा। और उसके लिए जो इसने इक्वेशन दी थी वो थी मेरे पास क्यू एफ स्क्वायर बाय 140 की पावर 1/6। ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। क्लियर, अब आपको यहाँ पे पता है, ऑब्वियस सी बात है, वी क्या है मेरा, फ्लो वेलोसिटी है, किसमें आएगी, हमेशा मीटर पर सेकंड में आएगी। क्यू जो है आपका डिस्चार्ज है, किसमें है, क्यूमैक में है। ठीक है ना, क्यू क्या है यहाँ पे मेरा, डिस्चार्ज, और ये काई में रहेगा आपका, मीटर क्यूब पर सेकंड में रहेगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मेरे पास अलग है जिसे बोल रहे हैं अपन स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ बोलते हैं यहाँ पे सिल्ट फैक्टर, ये ध्यान रखना भाई साहब, इस पे कम से कम 7-8 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 7-8 बार नहीं तो 5-6 बार क्वेश्चन तो पूछ ही लिया इस पे। ठीक है, स्मॉल एफ जो होता है इसे बोलते हैं अपन सिल्ट फैक्टर, मतलब कि सिल्ट की जो ग्रेड है उसको काउंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फैक्टर बनाया है। कैनेडी ने क्या बनाया था, सिल्ट ग्रेड को काउंट करने के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो को बनाया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्मॉल एफ को बोला जाता है सिल्ट फैक्टर, और इसे काउंट करने का एक फॉर्मूला होता है अपने पास 1.76 अंडर रूट डी 50 mm। ठीक है ना, ये फॉर्मूला भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है ना, क्लियर, तो सिल्ट फैक्टर के लिए मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला है, यहाँ पे डी 50 होती है, इसे बोलते हैं एवरेज साइज या मेन साइज। यहाँ पे डी 50 जो है मेरे पास उसे बोला जाएगा एवरेज साइज या मेन साइज ऑफ पार्टिकल्स। क्यों बोला इसको एवरेज साइज या मीन साइज, आपने सॉइल में पढ़ा होगा कई बार D10 लिखा हुआ होता है, कई बार D60, कई बार D90, सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो D60 का मतलब क्या है, D60 का मतलब या D10 का मतलब अपन समझे तो D10 का मतलब क्या होता है कि भैया जो मेरी सॉइल है उसमें 10% पार्टिकल ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर साइज से फाइनर है। समझ में आई बात, मतलब D10 का मतलब क्या है, ये ऐसी साइज है जिससे 10% पार्टिकल फाइनर है, मतलब इससे बारीक है। D60 का मतलब क्या होता है कि भाई इस साइज से 60% पार्टिकल मेरे फाइनर है। समझ में आई, ऐसे ही अपने पास यहाँ पे क्या है, अपने पास है D50। D50 का मतलब क्या है कि 50% पार्टिकल जो है इस साइज से फाइनर है, मतलब इससे बारीक है। तो अगर 50% फाइनर है तो बचे कुचे 50% इससे कोर्सर हो गए, तो 50 इधर 50 इधर, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास एवरेज साइज हो गई या मेन साइज हो गई, बीच वाली साइज है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बहुतों बार पूछा हुआ है एग्जाम में, याद रखना। क्लियर, ये बनाए एक बार, फिर अपन अगले स्टेप पे चलते हैं। ठीक, ये एक स्टेप हो गया मेरे पास, मेरे पास क्या क्या निकल चुका है अभी, डिस्चार्ज मुझे दिया हुआ था, वेलोसिटी मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक है ना, तो मेरे पास दो चीजें यहाँ पे मिल चुकी है, पहली मुझे डिस्चार्ज पता था, दूसरी मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। फिर होता है मेरे पास स्टेप नेक्स्ट,
दूसरा, ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करूंगा मैं, मुझे डिस्चार्ज दिया हुआ था, वेलोसिटी मैंने फाइंड आउट कर ली, तो एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, क्यू बराबर ए वी, क्यू मुझे पता, वी मुझे पता, तो एरिया निकाल लूंगा मैं। तो सेकंड क्या करना है मुझे, फाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैनाल। तो आसानी से निकल जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी। तो ये हो गया जी मेरे पास, ठीक है, ये हो गया मेरा नेक्स्ट स्टेप, क्लियर। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप करना है, एरिया मैंने निकाल लिया, इसके आगे मेरे को स्टेप आता है कि भाई साहब इसके आगे आप निकालिए हाइड्रोलिक रेडियस। तो इससे नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास, फाइंड हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस के लिए भी इक्वेशन है मेरे पास, क्या है, 5/2 v² / f, ठीक है ना, ध्यान रखना, पूछी गई है एग्जाम में। हाइड्रोलिक रेडियस क्या हो जाएगी, v² / f, v मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था, f भी मैंने फाइंड आउट कर लिया था, तो मैंने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर ली, हाइड्रोलिक रेडियस भी फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टेप, इससे आगे अपन फाइंड आउट करते हैं स्टेप जो भी नेक्स्ट है मेरा, कितना है, फोर्थ, फाइंड वेटेड पेरीमीटर पी। पी कितना हो जाएगा आपके पास, पी के लिए फॉर्मूला होता है 4.75 √3। तो ये मैंने सारी की सारी चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, और ये जो इक्वेशन है ये लेसी ने खुद ने दी थी, इसलिए इनको बोला जाता है रेजिम फ्लो कंडीशन या बेसिक फ्लो कंडीशन या जर्नल फ्लो कंडीशन, ठीक है, हो गई मेरी डिजाइनिंग। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्यू मेरे पास दिया हुआ था डिस्चार्ज, वेलोसिटी मैंने फाइंड आउट कर ली, मैंने एरिया फाइंड आउट कर लिया, मैंने उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस भी फाइंड आउट कर ली, क्लियर। अब देखिए, क्लियर, अब मेरे पास हाइड्रोलिक रेडियस है, मतलब कहीं ना कहीं a बाई पी का रेशियो है मेरे पास, है कि नहीं है। अगर मुझे a बाई पी का रेशियो पता है और मुझे एरिया का वैल्यू पता है, पी का वैल्यू पता है, मतलब एरिया जो आएगा आपका किस में आएगा, विड्थ में, और वाई की फॉर्म में, मतलब डेप्थ की फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पे पेरीमीटर जो आएगा वो भी विड्थ की फॉर्म में और डेप्थ की फॉर्म में आएगा, यही होगा। मेरे पास दो अननोन है और दो इक्वेशन है, क्योंकि एक इक्वेशन तो यहाँ से आएगी और दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, समझ में आ रही है बात। तो मेरे पास दो इक्वेशन बनेंगी और दो मेरे पास अननोन होंगे, तो मैं यहाँ से बी की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों को फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज के लिए। क्योंकि देखो कैसे होता है, एक्चुअल डिजाइन कैसे होती है, मेरे पास कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन बता देगा भाई क्वेश्चन में कि इस टाइप के क्रॉस सेक्शन की मेरे को डिजाइन करनी है। अब मैं उस क्रॉस सेक्शन को बना लूंगा, जैसे ट्रेपजॉइडल था तो मैंने बना लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं बता नहीं रहा आपको, जो लेसी ने बताए थे वो किसके लिए थे, ट्रू कंडीशन के लिए थे। लेकिन अगर मेरे को क्रॉस सेक्शन दे रखा है एक्चुअल में, क्वेश्चन में पता है मुझे, तो मैं उस क्रॉस सेक्शन को बनाऊंगा। क्रॉस सेक्शन के लिए मैं मान लूंगा कि वाई इसकी बी विड्थ थी, वाई इसकी डेप्थ है, क्लियर। अब बी और वाई की टर्म में मेरे पास एक ए में इक्वेशन बन जाएगी, और ऐसे ही मेरे पास पेरीमीटर के लिए एक इक्वेशन बन जाएगी, दो इक्वेशन बन गई। अब एरिया की वैल्यू मुझे पता है कुछ ना कुछ, ये रही, ठीक है, मान लो मेरे पास 50 आ गई, पेरीमीटर की वैल्यू भी मुझे पता होगी कुछ ना कुछ, मान लो मेरे पास 10 आ गई। तो मेरे पास एरिया और पेरीमीटर जो कि बी और वाई में है, उनकी दो इक्वेशन बन गई हैं। अब आपके पास बी अननोन है, वाई अननोन है, दो इक्वेशन है, तो आप यहां से बी की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों को निकाल लोगे, दैट मींस कैनाल के सारे के सारे जो आपके पैरामीटर हैं वो सारे के सारे आपके आ गए, ठीक है ना। बनाओ इसको, ये हालांकि जेएन में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया है बस। हाँ, एक चीज और रह गई अपने पास, मैं हटा देता हूँ यहाँ, एक चीज और रह गई, सारे पैरामीटर निकाल लिए, बेड स्लोप रह गया बस एक, ठीक है ना। तो बेड स्लोप के लिए भी इसने इक्वेशन दी थी लेसी ने, बेड स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है अपना f की पावर 5/3 / 3340 q की पावर 1/6। दोनों की दोनों चीज़ें मेरे पास नॉन है, मेरे पास सिल्ट फैक्टर भी पता है, डिस्चार्ज भी पता है, तो मैं बेड स्लोप फाइंड आउट कर लूँगा। तो मेरे पास सारे के सारे जो पैरामीटर थे कैनाल के, जैसे कि विड्थ, उसकी डेप्थ, उसका बेड स्लोप, पेरीमीटर, एरिया वगैरह, सब कुछ मेरे पास निकल के आ चुका है, दैट मीन्स मेरी कैनाल जो है डिजाइन हो चुकी है, क्लियर। ध्यान रख लेना, बता रहा हूँ आपको, लेसी थ्योरी पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इसके जो रेजिम कंडीशंस थी उन पे, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेसी की जो ट्रू रेजिम कंडीशन थी उसमें कैसी शेप बनी थी, तो सेमी इलिप्टिकल बनी थी। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इक्वेशन है जिनके बिहाफ पे लेसी ने कैनाल डिजाइन करी थी उनको क्या बोलते हैं, तो उनको मैंने बताया आपको क्या बोलते हैं, बेसिक फ्लो कंडीशन या रेजिम फ्लो कंडीशन या जनरल फ्लो कंडीशन, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपके
फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूला जैसे आपसे वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ लिया, सिल्ट फैक्टर का फॉर्मूला पूछ लिया, कुछ भी पूछ लेगा, ये भी पूछे गए हैं फॉर्मूलाज ऑब्जेक्टिव में, ये भी पूछा गया है, सारे कुछ पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा सिल्ट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है जैसे 1.76 अंडर रूट D50, तो आपको क्या करेगा, D50 की वैल्यू दे देगा ऑब्जेक्टिव में और आपसे सिल्ट फैक्टर पूछ लिया जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे, और पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है, छोटा सा कुछ वैल्यू दे देगा आपको और सिल्ट फैक्टर की वैल्यू पूछ लेगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये आपको ऑब्वियस ही बात है, पुराने क्वेश्चन देख लेना आप, कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन, और वी और एफ की वैल्यू देके आपसे आर की वैल्यू भी पूछ सकता है, हालांकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन इनकी सिंपल सिंपल वैल्यूज देके आपसे आर की वैल्यू पूछी जा सकती है और पूछी गई है। तो फॉर्मूलाज को रट लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। ये भी इस फॉर्मूला पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, SSC JEE में ही पूछे हुए हैं, आप दूसरों की तो बात छोड़ो, ठीक है ना, वहां भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता प्री में, फिर भी ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो सारी की सारी इक्वेशंस को याद कर लेना, और कैनेडी की तो कोई इक्वेशन थी नहीं, चेजी की यूज़ करी थी, क्योंकि सारी की सारी पूछी जाएंगी। आपको क्वेश्चन अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ पे जाएं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो कि डिज़ाइन पे पूछे गए हैं, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, सारे के सारे मिल जाएंगे एक PDF की फॉर्म में, ठीक है ना। आप वहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेना, आपका सारा की सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। अगर बाई चांस किसी प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सॉल्यूशन में अभी प्रोवाइड नहीं करवा सकता, क्योंकि पेन टाइप नहीं है मेरे पास, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मंगवा भी नहीं सकता, ठीक है ना, उस वजह से उनके सॉल्यूशन थोड़े टाइम में आपको मिल जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम का जो डिस्कशन वाला चैनल है वहाँ पे पूछ लेना उसको, मतलब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, क्लियर। और एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, JEE का पेपर है या AEN का पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप प्रीवियस ये क्वेश्चन कर लो, और आप कोई भी किताब उठाओगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं, देखो जनरल सी बात करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा किसी भी बुक की, अपनी काफ़ी सारी बुक चलती हैं, गुप्ता एंड गुप्ता, आर्य घोर, मूर्ति वगैरह, ठीक है ना, मैं बुराई कर भी नहीं सकता, मैं इस लायक भी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बताऊँ, आप किसी भी एक टॉपिक पे आएँ, ठीक है, जैसे आप आ जाओ डिज़ाइन वाले टॉपिक, डिज़ाइन पे, या आप बड़ा टॉपिक लो, एक कैनाल का टॉपिक ले लो, ठीक है ना, कैनाल टॉपिक पे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, सारे के सारे आप निकाल लो, ठीक है ना, सारे के सारे सॉल्व कर लो A to Z, मैंने दे रखी है इनकी PDF, मैंने प्रोवाइड करवा रखी है टेलीग्राम पे, मैंने खुद ने बनाई है भाई साहब, ठीक है। आप कैनाल के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन उन सबको करो, इसके बाद आप कोई भी बुक उठा लो, गुप्ता एंड गुप्ता उठा लो, ठीक है ना, गुप्ता एंड गुप्ता में अगर कैनाल डिजाइन के 20 क्वेश्चन है ना, तो लिटरली लिख के दे सकता हूँ 15 से 17 क्वेश्चन पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पुराने पेपर वाले उठा के डाल रखे हैं गुप्ता एंड गुप्ता ने, और बाकी जो आधा पार्ट होता है गुप्ता एंड गुप्ता का वो ESC वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी भी किताब को उठा लो, आप कुर्मी को उठा लो तो उसमें आपको पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे, मूर्ति उठा लो, आर्य घोर उठा लो, वहाँ सबको, मतलब इन सब में आपको पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर पुराने एग्जैक्ट नहीं मिलते तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके दे दिया जाता है, पर मैक्सिमम क्वेश्चन होते पुराने क्वेश्चन ही है अपने जो पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है अपने लिए किसी टॉपिक का, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उनसे ज़्यादा और उनसे अच्छा कोई क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, याद रख लेना ये चीज़। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन तो 100% सॉल्व करो, इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैंने आपको PDF में नीचे प्रोवाइड करवा रखे हैं, स्टार्टिंग में तो हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन, इसके बाद हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, तो सारे के सारे सॉल्व कर लेना, प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। तो कैनाल डिज़ाइन अपनी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है भाई।